पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से पूरे देश में बवाल छिड़ गया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही है। मुरादाबाद भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में प्रकाश नगर चौराहे पर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया गया। बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में भाजपा कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया है। कांग्रेस से इसको लेकर माफी मांगने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी के बाद से जमकर हंगामा भी हो रहा है। संसद के बाहर और अंदर इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी आज इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। इसी कड़ी में मुरादाबाद जनपद की भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में भाजपा के तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने प्रकाश नगर चौराहे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भाजपा की महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। राष्ट्रपति पर दिए गए बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। देश के लोग कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा कि किस तरह से एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। कांग्रेस पार्टी महिला गरीब और आदिवासी विरोधी है। आज हमारे यहाँ पे जो सदन की बैठक चल रही थी लोकसभा सदन की, उसमें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो नवनियुक्त भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके विरोध में बहुत अपशब्द बोले गए। उनको अशोभनीय बताया और अधीर रंजन जी ने उनको कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी है, जो जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे भारत में सदैव आधी आबादी को नारी को पूजनीय माना गया है और ऐसी पूजनीय स्थिति में कोई भी यदि आधी आबादी में महामहिम के लिए अगर अशुभ शब्द बोलता है, शोभनीय वर्ड बोलता है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसी के विषय में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अधीर रंजन माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, हमारी मांग सिर्फ इतनी है। हमारी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए कांग्रेस के द्वारा और विशेष रूप से अधीर रंजन जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं, अपशब्द किए गए हैं, उनकी हम कठोर निंदा करते हैं। इन्होंने जो हमारी नारी शक्ति है और नारी सशक्तिकरण, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अवहेलना की है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। पूरा महिला मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है और भारत की एक एक नारी इसकी घोर निंदा करती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भरे शब्दों में सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।